इधर गरीब को सुबह से नींद नहीं आई है, थोड़ा धीरे मम्मी प्लीज। हम ट्राई करने वाले हैं अनट्राइड योर न्यू रामेन फॉर 25 आवर्स, और उसके साथ साथ जब भी हम एक रामेन ट्राई करेंगे वी आर बेसिकली गोइंग टू ट्राई अ रामेन हैक एंड सी वेदर इट्स अ पास और अ फेल। आई एम प्रीटी श्योर आपको मेरा ये रामेन सूटकेस याद होगा ही। फॉर लंच आई हैव डिसाइडेड आई एम गोना पिक द रामेन जो मेरा बहुत ज़्यादा ट्राई करने का मन हो रहा है। तो जब भी मैं सिंगापुर में CVS सुपरमार्केट वगैरह जाती थी आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस अर्विन स्पाइसी सॉल्टेड एग। ओ दिस इज निसिन का। Damn dude, is Nissin an Indian brand? Cup noodles वगैरह जो आते हैं वो Nissin के ही होते हैं ना? हाँ, weird India में नहीं मिलता ये। Our ramen is all ready and I really like the wriggly texture of this and ये अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, आप धुआँ देख ही सकते हो। So this hack is basically if you want to eat garam ramen and not want to wait for it to cool down. Okay, so इसके लिए सबसे पहले you take this, you fold it into half and then you fold it into another half and अभी you have to take one corner of it and this becomes like your chamach, then you take your ramen and you put it inside it. Mission abort. Mission abort. I don't like the taste too much, मतलब बहुत ज़्यादा salty है and it's sweet and salty, that's it. Ramen is not supposed to be sweet and salty. The next hack that we're gonna try is Lisa का hack. I mean I'm a huge fan of her account, मतलब वो इतने रामेन चैलेंजेस करती है, 30-day रामेन चैलेंज, आई एम ऑब्सेस्ड। सो आई सॉ दिस वन हैक जिसमें शी पुट अ स्पून ऑफ पीनट बटर इन टू द रामेन एंड आई एम होपिंग उससे इसका टेस्ट बेटर हो जाएगा। सो उसके लिए आई एम यूजिंग वाओ लाइफ साइंस का पीनट बटर, मतलब आई हैव क्रीमी एंड क्रंची, बट आई थिंक फॉर दिस वन आई गो विथ क्रंची बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा वो क्रंच का टेक्स्चर रामेन में बहुत अच्छा लगेगा। ये इंडिया का फर्स्ट पीनट बटर है जिसको हेल्दी बनाया गया है विथ सुपर फूड्स लाइक सत्तू एंड सीड्स। देयर इज 28% प्रोटीन इन ईच बाइट एंड 100% नेचुरल और हेल्दी एंड इसमें यूज हुआ है 100% बोल ग्रेड पीनट्स एंड इट हैज नो प्रिजर्वेटिव्स, पाम ऑयल, इमल्सिफायर्स या फ्लेवर्स। इसको आप ऐसे ही खा सकते हो या यू कैन ऐड इट ऑन ब्रेड, स्मूदीज या जिस भी चीज का टेस्ट आप बेटर करना चाहो। बी वाओ नेचुरली। वाओ स्किन साइंस हैज आल्सो स्टार्टेड अ ग्रीन हैंड इनिशिएटिव जिसमें व्हेनेवर यू परचेज फ्रॉम buywow.in यू रिसीव अ सीड पाउच जो आप प्लांट कर सकते हो एंड यू कैन बिकम अ प्राउड प्लांट पेरेंट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लेस योर ऑर्डर एंड कॉन्ट्रीब्यूट towards making a greener future. I put a little too much peanut butter, but jaise ye ramen taste kari thi, I'm just hoping ke sirf peanut butter ka taste aaye because ramen tasted really bad. That is really good. And I'm loving the crunchiness of the peanuts, it's so nice. Leg days are the worst, guys. My legs can't move. I'm walking like a penguin as a top 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 top. So for dinner, let's go with lovely hot. I just realized something. This is Samyang ka half x spicy ramen, which means agar aapse wo black wali ramen bhi nahi khai jati, so I'm just assuming ke flavor same hoga, but spice is going to be half of that, which is nice. Coming to the hacks for dinner, आप लोगों ने क्या मेरा वो वीडियो देखा है जिसमें आई डिड द इज दिस स्पाइसी इनफ फॉर मी,
और उसमें मैंने ली थी बर्गर किंग की चिकन विंग्स बोनलेस ऑफ कोर्स एंड आई ट्राइड इट विद दिस 2x स्पाइसी सॉस. मतलब मेरे को ये लगा था कि इट विल बी सो स्पाइसी कि मैं हैंडल ही नहीं कर पाऊंगी. सरप्राइजिंगली मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि आई थॉट द नेक्स्ट टाइम आई हैव सामयांग और कुछ ना आई हैव दिस चिकन. दिस लुक्स डेडली बट ट्रस्ट मी इट इज इनसेनली गुड. By the first look of it, ऐसा लगता तो नहीं है कि इसमें half spice है. Anyways, we will try. It's what we do. Okay, I was wrong. इसमें spice बिल्कुल भी नहीं है. But there's one more thing that's not there. जो सामयांग का authentic flavor होता है वो नहीं है. I think वो flavor spice से ही आता है और जो रोना आता है ना वो spice खा के, I think that's the signature of सामयांग. So this ramen gets a 3/10 from me because I would never try this again क्योंकि it's a disgrace to the सामयांग का actual flavor. अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है. But anyways, I'm gonna have this though because this is so spicy. मतलब this is like death. मौत को छू के टक से वापस आ सकता. This is so good guys, you have to definitely try out this hack. जो ब्रेकफास्ट वाला हैक है उसके लिए हमें एक ऐसी रामेन पिक करनी है जिसमें सूप बेस हो. तो यहाँ पे एक तो मेरे को लैंग्वेज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि क्या लैंग्वेज में लिखा है. सो आई गेस वील हैव टू गो बाय पिक्चर. दिस UFO रामेन डजंट सीम लाइक इसमें सूप होगा, इसमें भी reject. नहीं होगा. ये reject, सब तो जनरली सामयांग के एंड मोस्टली इसमें सूप नहीं होता है. Wait, I think this one में सूप होगा. Okay, so this hack is called as the ramen souffle hack. Basically, hack में ये करा गया है कि you have to eat your noodles without the soup. And उसके बाद सूप में क्या करना है? You put in 2 eggs and then you microwave it for 2 minutes. Now, the biggest problem is जो ramen का taste होता है, soupy ramen का majority of the taste is in the soup itself. सो अगर हम सूप के बिना खाएंगे तो कैसा टेस्ट आएगा? एंड देन एक तो मेरे को एग भी नहीं पसंद, तो आई फील लाइक ना नूडल्स का टेस्ट अच्छा होगा ना सूफले का टेस्ट. बट ठीक है, इट्स अ रियली वायरल हैक. मतलब इस हैक पे थे 487k लाइक्स, सो वी नॉट गोना डिसमिस इट ऐसे ही. हर कोई कोई में कूदेगा तो आप भी कूदोगे. Okay, so the texture of the noodles is really good. मतलब एक ही सेकंड में बन गए, बिल्कुल भी overcooked नहीं है. And the overall flavor of the ramen is also good. But जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आप सिर्फ noodles खाओगे without the soup, तो आपको कुछ खास taste नहीं आएगा. It'll be like eating just maida. This is what is left ramen खत्म होने के बाद. And I just wanted to show you something. मैंने खाया भी नहीं, so I could show you guys. This is some cute radish इतु सी जो इसके अंदर है. And this literally reminds me of Shinchan. Anyways, now our next step is to todofy these andas. And we're gonna try Gordon Ramsay style. मतलब एक हाथ से अंडा तोड़ने का. So, we did it! Oh my god! Okay, one more try. I hope ये तुक्का ना हो. Yes! Rachel. I am so happy right now, मैं बता नहीं सकती. Proper Asian way. You want to mix thing? Just use chopstick to mix. There you go. 2 minutes. This looks really nice. This looks so jiggly. Wiggle, wiggle, wiggle. I hated it. Honestly, I hate egg and this hack just made the egg so much more soupy and weird and
वो अजीब सा टेक्सचर आ रहा है. रियली विशिंग कि मैंने ये हैक नहीं ट्राई किया होता. Reality is often disappointing. ओके सो अब लंच की बारी है एंड उसके लिए सबसे पहले तो हम एक पिक करेंगे ये ट्यूमसाई स्टर फ्राइड रामेन एंड दिस लुक्स स्पाइसी. मतलब इस पे लिखा है फॉर स्पाइस लवर्स. सो ये एक पिक हो गई है. फिर सेकेंड वन ना यहाँ पे मैगी के दो है. वन इज स्पाइसी गोरेंग एंड द अदर वन इज स्पाइसी करी. मैं स्पाइसी करी ट्राई कर चुकी हूँ सिंगापुर में तो वी गोना टेक दिस वन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस आई हैव ऑलरेडी ट्राइड बट वी स्टिल गोइंग टू टेक दिस. अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा क्यों. ये याद रखना, बाद में बात करते हैं. नूडल्स का ना टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड स्पाइसी भी है. मतलब मेरे जीभ में लग रहा है बट इट्स नॉट ओवरली स्पाइसी सो इट इज अमेजिंग. एंड सेसमी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है विच आई रियली लव. सो 9/10 फ्रॉम माय साइड. दिस इज द नेक्स्ट मैगी हॉट हेड स्पाइसी गोरेंग. इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये स्पाइसी है. मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बस पानी में मैगी कुक हो गई है. दोज आर लॉन्ग नूडल्स गाइस. मेरे को ना ये नूडल्स देख के गुस्सा आ रहा है बिकॉज दीज आर लॉन्गर देन माई हेयर. नाउ यू आर शॉर्टर देन माई हेयर. लॉल द टेस्ट ऑफ दिस नूडल्स इज वेरी ब्लैंड. मतलब एक्चुअल में ऐसा ही लग रहा है जैसे मैदा खा रहे. जो हमारे इंडिया के मैगी कप नूडल्स होते ना उसका टेस्ट इससे मच बेटर है. सो दिस इज लाइक 2/10. आई वुड नेवर ट्राई दिस अगेन. एंड फाइनली मैंने आपको बताया था ना कि ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ तब भी मैंने बनाई. इट्स बिकॉज माई एडिटर हैज नेवर हैड रामेन इन हिज एंटायर लाइफ. सो हाय, वेरी बिजी विद एडिटिंग. हाय, ये लो और वेज रामेन. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? Wait, I will get a fork. वेज रामेन मैगी जैसा ही लगता है. नहीं, ऐसा मत बोलो. पूरी रामेन कम्युनिटी टूट पड़ेगी. ऐसा नहीं बोल सकते. सूप पी के देखो फिर पता चलेगा ये मैगी नहीं है. ओके, फाइनल वर्डिक्ट है ना? सूप का टेस्ट अच्छा है. मैगी से बेटर है ना? यस गाइस, कन्वर्जन कंप्लीट गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.